हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सी टी ऑफ वर्कशीट वर्कशीट नंबर एंड इट इट इज ओनली फॉर क्लास हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हालांकि डायरेक्टली हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक जरूर सीखेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस का नंबर कितना होगा बहुत बढ़िया ट्रिक है बहुत ही फंटास्टिक आज की वर्कशीट है सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी सो हेयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ट्विन सिस्टर्स प्रिया एंड रिया हैव बिन डिस्कसिंग अबाउट रीओपनिंग द स्कूल यानी दो जुड़वा बहनें प्रिया और रिया वो आपस में बात कर रही थी किसके बारे में स्कूल दोबारा से खुलने के बारे में वेन आर स्कूल रीओपन ड्यूरिंग द असेंबली सेशन वी विल स्टैंड मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट फ्रॉम ईच अदर यानी वो आपस में बात कर रही थी कि जब हमारे स्कूल दोबारा से खुलेंगे ना तो असेंबली सेशन के दौरान यानी प्रेयर के दौरान हम सब कैसे खड़े होंगे छह फीट का फासला लेकर एक दूसरे से छह फीट का फासला लेकर खड़े होंगे रिया सेट दैट देयर आर रियाड दर आर वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट इन आर स्कूल एंड वी ऑल विल स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वेयर सच दैट ईच रो कंसिस्ट ऑफ एज मैनी स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ कॉलम हाउ ब्यूटिफुल इट विल लुक देखिए इसका मतलब है कि रिया ने कहा कि हमारे स्कूल में 1027 स्टूडेंट्स हैं और हम इस तरह से खड़े होंगे कि ताकि वो एक स्क्वायर की शेप बन जाए स्क्वायर तो जानते हैं ना जिसमें फोर साइड्स आर इक्वल इस तरह से खड़े हो जाएं जैसे कि आप यहाँ पर शेप भी देख रहे हैं ये स्क्वेयर शेप है इसका मतलब ये है कि हर रो में जितने बच्चे खड़े होंगे जितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे उतनी ही रोज बनेंगी ठीक है इस तरीके से यानी अगर हम एक रो में फोर स्टूडेंट्स खड़े करते हैं तो फोर ही अगर रोज बनेंगी तो ये एक कैसी शेप ले लेगा स्क्वायर की शेप ले लेगा अगर फाइव स्टूडेंट्स एक रो में खड़े होते हैं तो फाइव रो बनेंगी सिक्स स्टूडेंट्स खड़े होते हैं तो सिक्स रोज बनेंगी इससे क्या होगा एक स्क्वायर की शेप बन जाएगी ऐसे वो बात कर रही थी बट प्रिया रिप्लाइड दैट वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन चिल्ड्रेन कान टेक द शेप ऑफ स्क्वेयर लेकिन प्रिया तुरंत बोली कि भाई जो वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन चिल्ड्रन है ना वो एक स्क्वेयर की शेप ले ही नहीं सकते देन रिया आस्क दैट हाउ कैन यू से रिया ने कहा भाई प्रिया आप ऐसे कैसे कह सकते हो डू यू नो द मैथड टू फाइंड स्क्र रूट ऑफ द नंबर वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन क्या आपको जानते हो कि वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन का स्क्वेयर रूट क्या होगा जो आप कह रहे हो कि नहीं हो सकता स्क्वेयर देन प्रियर रिप्लाइड दैट आई नो द मैथड टू फाइंड स्क्र ऑफ़ एनी नंबर बट डोंट नो द मैथड ऑफ़ टू फाइंड स्क्र रूट ऑफ एनी नंबर बट आई कैन से दैट वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन चिल्ड्रन कान टेक द शेप ऑफ स्क्वेयर तो उसने कहा भाई मैं ये तो नहीं जानती कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि किसी नंबर का स्क्वेयर क्या होगा वो मैं जानती हूँ और ये भी मैं इस हिसाब से कह सकती हूँ कि 1027 चिल्ड्रन हैं वो कभी भी स्क्वेयर की शेप नहीं ले सकते स्क्वेयर की शेप वही लेगा जिसका कि स्क्वायर रूट निकल पाएगा पूरा पूरा होल नंबर में ठीक है रिया सेड दैट प्रूव योर स्टेटमेंट रिया ने कहा आप अपनी बात को प्रूव करके दिखाओ देन प्रिया सेट लुक एट दैट टेबल गिवन बिलो यानी प्रिया ने कहा नीचे जो एक टेबल दे रखी है ना इसको आप ध्यान से देखना जरा ठीक है इसमें क्या है कि नंबर है ना उसका नंबर फिर स्क्वेयर नंबर यानी स्क्वायर नंबर यहां पर ये जो नंबर की जगह एन ओ लिखा है ना इसका मतलब है नंबर और स्क्वेयर जो एस क्यू नंबर लिखा है इसका मतलब है स्क्वायर नंबर अब लेट्स सी द टेबल व्हेन यू केयरफुली लुक एट दिस टेबल यू विल फाइंड पैटर्न कैसे आप देखिए जरा अगर नंबर है वन तो इसका स्क्वायर क्या होगा वन देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है जब हम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे तो वन मल्टीप्लाई बाय वन तो क्या आया वन टू को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब टू का स्क्वायर इज फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन कैसे सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन सेम नंबर से फोर्टी नाइन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर नाइन का स्क्वायर एटी वन टेन का स्क्वायर हंड्रेड बिकॉज टेन मल्टीप्लाई बाय टेन इज इक्वल टू हंड्रेड इलेवन का स्क्वायर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन ट्वेल्व का स्क्वायर वन हंड्रेड फोर्टी फोर थर्टीन का स्क्वायर वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन फोर्टीन का स्क्वायर वन हंड्रेड नाइनटी सिक्स 15 का स्क्वायर 225 16 का 256 17 का 289 18 का 324 324 19 का 371 एंड 20 का 400 एंड सो ऑन अगर आप देखें 21 से लेकर 40 तक सबके स्क्वायर आपके सामने लिखे हुए हैं लेकिन यहां पर कुछ एक पैटर्न नजर आ रहा है क्या पैटर्न नजर आ रहा है अगर आप सभी के जो स्क्वायर आए हैं उसका यूनिट प्लेस का नंबर देखोगे तो उसमें कुछ नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं जैसे कि वन फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन जीरो नंबर फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं वन फोर नाइन सिक्स फाइव वन फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन जीरो फिर दोबारा से वन फोर नाइन आप देख रहे हो ना इसका मतलब आप जिस भी नंबर का स्क्वेयर निकालोगे उसका यूनिट प्लेस इसी सीक्वेंस में निकलते चले जाएंगे अब तो आप समझ रहे हो कि एक पैटर्न बन रहा है सो नाउ प्रिया सेट डू यू ऑब्जर्व समथिंग जो मैंने अभी आपको बताया रिया कहती है वॉट क्या प्रिया ने कहा देयर आर सम डिजिट्स विच आर कम अगेन एंड अगेन एट द यूनिट प्लेस ऑन अ नंबर एंड फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न वो कह रही है कि कुछ जो नंबर है ना यूनिट प्लेस पर वो बार 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 वही आए जा रहे हैं और एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं एंड देयर आर सम डिजिट्स ऑल्सो विच कांट कम एट यूनिट्स प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग नंबर और आपने देखा होगा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जब हम उसका स्क्वेयर कर रहे हैं तो वो नंबर कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं आ रहे लेट्स फाइंड वॉट आर द नंबर्स विच कम अगेन एंड अगेन एंड वॉट आर द नंबर विच ट कम एट यूनिट्स प्लेस तो देखिए ये जो नंबर से वन फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन जीरो नंबर दोबारा रिपीट भी हो रहे हैं दी सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स रिपीटडली विल कम अगेन एंड अगेन एंड द पैटर्न नेवर चेंज फॉर एवर यानी यही नंबर बार बार आते जा रहे हैं देयर आर ओनली सिक्स डिजिट अगर आप इन सारे डिजिट में देखें कुछ तो रिपीट भी हो रहे हैं तो टोटल तो तो जो है सिक्स डिजिट बनते हैं जीरो वन फोर फाइव सिक्स नाइन यही सिक्स डिजिट्स हैं जो जब भी आप किसी नंबर का स्क्वेयर करोगे यही उसके यूनिट प्लेस पर आएंगे इन दिस पैटर्न एंड रिमेनिंग फोर डिजिट्स टू थ्री सेवन एट कांट कम एट यूनिट प्लेस वाइल्ड स्क्वेयरिंग एनी होल नंबर यानी जब आप एक परफेक्ट स्क्वेयर बनाते हो तो अगर ये नंबर आ रहा है तब तो वो परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा वरना परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनेगा अगर टू थ्री सेवन एट आ भी जाता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनेगा यानी स्क्वेयर की शेप नहीं बनेगी अगर ये ये चार नंबर आ जाते हैं तो ये चार नंबर ठीक है अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन स्क्वेयरिंग यानी इन नंबर का जब हम स्क्वेयर करते हैं तो इनका यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा होगा लेट्स फाइंड वेन यू सी टेबल अगर आप देखें कि जिसका भी नंबर यूनिट प्लेस का नंबर एट है तो उसका स्क्वायर करने पर कौन सी डिजिट बन जाती है यूनिट प्लेस की फोर यहाँ पे देख रहे हैं ना फोर अगर आप एटीन को देखें इसकी यूनिट प्लेस पर एट है जब स्क्वेयर किया तो फोर बन गया इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ट्वेंटी एट का जब स्क्वेयर किया तो यूनिट प्लेस पर क्या आया फोर थर्टी को देखोगे तो यूनिट प्लेस पर आएगा फोर तो इसका भी क्या आएगा यूनिट प्लेस का नंबर फोर ही आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अभी मैं आपको लिख के बता दूंगा इसका आएगा फोर मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ फिर सिक्स वाले को अगर आप देखोगे सिक्स वाले को देखो सिक्स का स्क्वायर करने पर सिक्स ही आता है यहाँ पे भी देखोगे सिक्स ही आएगा सिक्स तो इसका क्या आएगा सिक्स आएगा इसका भी सिक्स ही आएगा नाइन वाले का क्या आता है नाइन वाले का देखिए नाइन वाले का आता है वन चाहे आप कहीं पर भी देख लीजिए इसका आएगा वन और एट वाले का फिर दोबारा से फोर देन आप आंसर नंबर वन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप यहां नंबर लिखिए और यूनिट प्लेस डिजिट ऑन स्क्वेयरिंग करने पर उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट ये आएगी जैसा कि मैंने अभी अभी, अभी आपको सिखाया है नाउ क्वेश्चन नंबर टू टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर अब आपको उस नंबर को टिक करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सिंपल अभी अभी ऊपर हमने सीखा कि अगर ये वाली फोर डिजिट है किसी के यूनिट प्लेस पर तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा परफेक्ट स्क्वेयर नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर अगर ये डिजिट है तो क्या होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर तो अब अगर आप इसको देखेंगे देखिए इसमें है नहीं ये वाला नंबर है तो आपने इसको टिक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें एट आ रहा है ठीक है सेवन सेवन यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो यस yes, ये भी इसमें है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फोर फोर वाला नहीं हो सकता थ्री वाला हो सकता है क्योंकि मैंने बोला टू थ्री सेवन एट अगर होगा तो, तो ये वाला नंबर भी ये है तो दिस इज योर आंसर ठीक है ये वाला नंबर टू सिक्स सेवन एट जीरो एट थ्री फोर फाइव सेवन सेवन और एट नाइन सेवन जीरो थ्री दीज नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर देन थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर्स विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट्स प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग अब आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको अगर आप स्क्र करें यानी दो बार मल्टीप्लाई करें तब भी इसका यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा तीन बार करें तब भी यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा तो करके देखें जैसे कि ये वाला नंबर है अगर आप इसको मैं यहीं आपको करके दिखा रहा हूँ अगर आप इसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसी से ही करते हैं तो जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो यूनिट प्लेस का नंबर यहाँ पर फोर आएगा तो इसका मतलब तो चेंज हो गया ना यहाँ तो एट है लेकिन आंसर में यूनिट प्लेस फोर बन जाएगा तो ये तो हो नहीं सकता लेकिन अगर हम फाइव को करें जैसे कि ये वाला नंबर है फाइव थ्री फाइव वाला इसको अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो इसका यूनिट प्लेस का फाइव ही बनेगा चाहे आप इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो तो अब इसमें कौन कौन से नंबर हो गए जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ एक तो ये वाला नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसे ही अगर आप वन वाले को करते हो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि कितनी बार भी वन को मल्टीप्लाई करो वन ही आंसर आएगा आंसर में भी ठीक है ये नहीं होगा और ये वाला नंबर होगा सिक्स वाला ये अगर आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में थर्टी सिक्स यानी कि सिक्स आएगा इसलिए ये जो तीन नंबर्स हैं इसको आप स्क्वेयर करो या थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसके यूनिट प्लेस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अब एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन हमने टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जहाँ जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उस लिंक से ज्वाइन करके उस ग्रुप के साथ जुड़ें वहाँ आपको इस वीडियो का लिंक और इसके अलावा दूसरी वीडियोस का लिंक एक साथ मिल जाएगा और फिर आपको कहीं कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को फिफ्टी के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वेयर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच